मेरा छोटा क्यों है? नुन्नू लाल जी जानना चाहते हैं कि लिंग छोटा होने के क्या कारण है। तो लिंग छोटा होने के कई कारण हैं। लिंग छोटा होने के एक तो जेनेटिक सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हर आदमी की हाइट, वेट, फेस, बालों का रंग, कलर सब जेनेटिक होता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है। उसी तरह से जेनेटिक या रेस अगर है तो उस पर डिसाइड करता है पेनिस साइज। फॉर एग्जांपल जैसे चाइनीज़ है, चाइनीज़ मर्दों का पेनिस साइज पाया गया एवरेज में कम होता है। अफ्रीकन के अंदर भी कुछ रेसेस है, सब सहारन अफ्रीकन्स, जिनका पेनिस साइज ज़्यादा बड़ा होता है। उसी तरह इंडिया के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स और जेनेटिक निर्धारित करता है कि उनका पेनिस साइज कितना है। पर जैसे पेनिस साइज है उसी तरह से योनि का साइज भी उसी तरह हर कम्युनिटी में अलग होता है। इसलिए कम्युनिटी के अंदर पेनिस साइज जो एक नॉर्मल एवरेज है उसी बेसिस पे कम्युनिटी चलती है। पर कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारण से पेनिस साइज आपको पूरा नहीं मिल पाता। अगेन ये एक्सपेरिमेंटल है, इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, पर डेफिनेटली अगर आपको फाइमोसिस है, अगर आपकी पेनिस की स्किन नहीं खुलती तो हो सकता है कि बचपन से आपका पेनिस पूरा ग्रो ना हो। दूसरा, अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, बचपन में हार्मोन प्रॉब्लम रही हो, टेस्टोस्टेरोन लो रहा हो, ग्रोथ टाइम में आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स कमी रही हो, तो ओवरऑल ग्रोथ के साथ में पेनिस का साइज की ग्रोथ भी रुक जाती है। कोई सर्जिकल प्रॉब्लम्स है जैसे हाइपोस्पेडियास है, पेशाब के छेद की प्रॉब्लम है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, पेनिस की सर्जरी हुई है, पेनिस के ऊपर कोई इंजरी हुई है, उन कारणों से भी पेनिस साइज छोटा रह जाता है। कई मरीज हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या उनके अंदर क्रोमोसोम की कमी है, उन बच्चों में, उन मरीजों के अंदर भी पेनिस साइज कम हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ओवर टाइम खून के सप्लाई की वजह से पेनिस साइज कम हो जाता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो धीरे धीरे 6 इंच का पेनिस भी घटते घटते 4 इंच का हो जाता है। अगर आपको पेरोनीज डिजीज़ है, पेनिस के अंदर गांठें बनी है, उससे भी पेनिस टेढ़ा छोटा हो सकता है। मास्टर्बेशन, जो मरीज ज़्यादा मास्टर्बेशन करते हैं, चाहे वो रबिंग करके करते हो चाहे हाथ से करते हो, तो उनके अंदर भी पेनिस साइज में दिक्कतें पाई गई है। पेनिस में टेढ़ापन डेवलप हो सकता है, साइज में कमी, मोटापे में कमी, पतलापन आ सकता है। तो यह कहना कि पेनिस साइज छोटा नहीं हो सकता ये गलत है। बहुत सारे कारण हैं जिससे पेनिस साइज छोटा हो सकता है। छोटे सिंह जी पूछते हैं, पेनिस साइज को कौन सी सर्जरी से बड़ा किया जा सकता है? पेनिस साइज जो है, तो पेनिस एक पर्टिकुलर साइज है, तो सर्जरी से पहले तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्या कोई मैनूवर से, कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से हम पेनिस साइज को बढ़ा पाए। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, उसके बारे में अलग क्वेश्चन में बात करेंगे। पर अगर आपको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, आपको हार्मोन ठीक कर दिए गए हैं, डायबिटीज़ ओके है, पेरोनीज नहीं है, गांठें हट चुकी है, मसाज कर चुके हैं, मास्टरबेशन छोड़ चुके हैं, कीगल एक्सरसाइज कर रहे हो, इरेक्शन पूरा है, टाइमिंग पूरा है, पेनिस के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, और उसके बाद आप पेनिस साइज को बढ़ाना चाह रहे हो, तो इसके अंदर 3 या 4 सर्जरीज है ऐसी जिससे पेनिस साइज बढ़ सकता है। अब पेनिस साइज में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है उसकी लंबाई, दूसरा पार्ट है उसकी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की अलग अलग सर्जरीज होती है। लंबाई बढ़ाने के अंदर हम चाहे तो पेनिस का लिगामेंट है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। लिगामेंट रिलीज़ करने के भी कई तरीके हैं। हम चाहे तो पेनिस के ऊपर की स्किन है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको फेलोप्लास्टी बोलते हैं। हम लंबाई बढ़ाने के लिए इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे पेनुमा है या इंडियन इम्प्लांट है या पेनाइल इम्प्लांट है, उसको यूज़ कर सकते हैं। साइज बढ़ाने के लिए इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स आते हैं जो लंबाई और गर्थ बढ़ाते हैं। तो जो मरीज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साइज से प्रॉब्लमेटिक फंसे हुए हैं, उसमें गर्थ एनहांसमेंट इम्प्लांट्स भी आते हैं, और पेनिस लेंथ के अंदर सर्कमसीजन का भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। दूसरी बात रही गर्थ की, अगर हमें पेनिस को सिर्फ मोटा करना है, लंबाई नहीं बढ़ानी है, या लंबाई के साथ मोटाई बढ़ानी है, तो उसके अंदर हमारे पास फिलर्स आते हैं जो डलते हैं। फिलर्स कई तरह के होते हैं, जैसे PCA है, PMMA है, हाइलुरोनिक एसिड है, फिर हमारे पास बॉडी फैट है, ऑटोलोगस फैट है जिसको हम डाल सकते हैं, डर्मल ग्राफ्ट है जिसको हम चढ़ा सकते हैं, पेनुमा सिलिकॉन स्लीव्स है जिसको हम डाल सकते हैं। तो सर्जरीज भी कई तरीके की है पेनिस साइज को बढ़ाने की, पर सर्जरीज यूजुअली 2 कंडीशन में की जाती है। पहला, अगर पेनिस साइज एक्चुअली बहुत स्मॉल है, एवरेज से भी कम है, तब ज़रूरी है। सेकेंड है, पेशेंट को बॉडी डिस्मॉर्फिया है जहाँ पर वो अपने साइज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तीसरा है कि सब कुछ करके देख लिया मेडिकली और नहीं इम्प्रूवमेंट आ रहा, तो हम सर्जरी से बेनिफिट ले सकते हैं। ये सर्जरीज कई दशकों से हो रही है, इनका रिजल्ट भी अच्छा है, बट ट्रेंड हैंड्स में हो, प्रॉपर सेंटर पे हो, समझ के साथ हो और एक्सपेक्टेशन सेट करके हो, तो इनका रिजल्ट हमेशा बेटर मिलता है। इरेक्शन रेडी जी का सवाल है कि छोटे पेनिस के साथ सेक्स कैसे करें? तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई
मेल्स पूछते हैं, कई बार फीमेल्स भी बोलती है कि हमारे हस्बैंड का पेनिस साइज स्मॉल है, तो उससे हमें कई बार संतुष्टि नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर पेनिस छोटा है, छोटे के दो मतलब है, एक है कि एक्चुअली छोटा है, एवरेज लेंथ से कम है, दूसरा है कि साइज़ तो ठीक है पर आपकी पार्टनर आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने साइज़ को कंपनसेट कर सकते हो, अपने साइज से सेक्स का ज़्यादा एन्जॉयमेंट ले सकते हो। पहला, अगर अपना आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन और टाइमिंग, ये दोनों ठीक होने चाहिए। अगर आपका साइज़ भी कम है और इरेक्शन भी दिक्कत है और टाइमिंग भी ख़राब है, तो डेफिनेटली तीनों चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, तो सेक्स अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो साइज़ छोटा है उसको बड़ा करो ना करो, पर एटलीस्ट आप अपने इरेक्शन को और अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हो, अपनी हार्डनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपका पेनिस साइज छोटा है तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो ताकि आपका पेनिस बड़ा लगे, जैसे कि प्यूबिक हेयर को साफ़ करना, पेनिस को प्रॉपरली क्लीन करना, अपनी जो फोर स्किन है उसको प्रॉपरली ओपन करके रखना, पेनिस को अच्छे से मसाज करना ताकि उसमें सब वेन्स अच्छे से दिखे और इरेक्शन का एंगल अच्छा होना। फिर कोशिश करें कि अपनी वाइफ को या अपनी पार्टनर को पेनिट्रेशन, मतलब अंदर घुसाने से पहले डिस्चार्ज करने की कोशिश करें। तो ज़रूरी नहीं कि डिस्चार्ज हमेशा पेनिट्रेशन से ही हो, आप कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा फोर प्ले करके अपनी वाइफ को क्लिटरिस को स्टिमुलेट करके और फोर प्ले के अंदर ही उनको डिस्चार्ज कर दें, तो आपके ऊपर डिस्चार्ज कराने की जो एक स्ट्रेस है वो कम रहता है। कुछ पोजीशंस है जो छोटे पेनिस के लिए वुमेन के लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, जिसमें एक है वुमेन ऑन टॉप या राइडिंग पोजिशन, जिसमें आप लेटे हैं, लेडी आपके ऊपर है, उससे उनके क्लिटरिस को स्टिमुलेशन मिलता है और बहुत सारी लेडीज़ छोटे पेनिस से भी अपने आप को डिस्चार्ज करा लेती है। और दूसरा है कि आप अपनी फीमेल पार्टनर के बटक्स के नीचे पिल्लो रख सकते हैं, इस कारण से आपका थ्रस्ट है, जो आपका जो पेनिट्रेशन है वो लॉन्गर रहेगा, आप पूरा अंदर जा पाएंगे, हो सकता है कि उससे आप अपने छोटे पेनिस से भी अपनी वाइफ को या पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाए।